दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका औजार छोटी वाली हरी मिर्ची से भी छोटा होता है, जिस वजह से गांव की सारी औरतें उसे छोटी मिर्ची कहकर बुलाती थीं। इस वजह से वो काफी परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक औजारी बाबा वरदान देते हैं, जा तेरा औजार काले बसांडों से भी बड़ा हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो गाँव में इतना फेमस हो जाता है की सारी औरतें उसकी दीवानी हो जाती है। और अब उसके घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती थी, और जो लड़कियां उसे पहले चुराती थी आज उसने उनके पीछे दर्द कर रखा था। तो चलिए देखते हैं ये आदमी क्या क्या कांड करता है। कहानी की शुरुआत में हम चाइना के एक छोटे से गांव झोपड़ीपुर को देखते हैं, जहां पर औरतें मजदूरी, खेती, रोजगार और बाहर के सभी काम करती हैं, और मर्दों का काम बस घर में रहकर खाना बनाना, साफ सफाई करना और बच्चों का ध्यान रखना और रात में अपनी लुगाइयों को खुश करना था। लेकिन इस गांव की सभी औरतें रगड़े की दीवानी, खून की प्यासी थीं, और दिन रात ठुकाई करने के बाद भी उनकी प्यास नहीं मिटती थी। यहां पर आदमियों को पूरी रात उनकी सेवा करनी पड़ती थी, जिससे गांव के सभी लौंडे काफी कमजोर हो जाते थे। वहीं पर हम एक चूचू नाम के लौंडे को देखते हैं, जिसको एक दिन कुछ लौंडे बवासीर की गोलियां खाकर परेशान कर रहे थे। इसीलिए चूचू वहां पर पड़े एक जलते हुए कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है, ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। लेकिन ये सब देखने के बाद वो बदमाश लौंडे चूचू के मुंह पर 3-4 घुसंड पेल देते हैं, झोपड़ी के हमें एक्शन दिखाएगा, और फिर चूचू भी उन लौंडों को धरती चटाने लगता है, यानी कि उन्हें दबा के मारता है। और उसका ये कारनामा वहां पर मौजूद कुछ लड़कियां देख लेती हैं और उसके प्यार में दीवानी हो जाती हैं। वो लड़कियां सोचती हैं ये लौंडा मारकाट में तो धुरंधर है, तो बेड पर तो ये हमें नानी याद दिला देगा। तभी वहां पर एक बुढ़िया औरत आकर उन सभी औरतों से कहती है, ओ काले केलों की दीवानियों, तुम सभी इस लौंडे से प्यार करके मुरझा जाओगी। ये बात सुनकर एक लड़की उस बुढ़िया से पूछती है, अरे अम्मा क्या बात हो गई जो आप हमें केले लेने से मना कर रही हो। तो फिर बुढ़िया उन्हें एक बात बताती है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम चूचू को देखते हैं जो रात में राइस केक बेचकर घर आ रहा था। वहीं रास्ते में वो एक लड़की के घर से होते हुए गुजर रहा था, जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। अब ये चूचू इतना अच्छा मौका भला अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था, और वो वहीं पर अपनी आंखें गड़ाकर ताड़ता रहता है। वो उसे देखने के लिए और पास जाता है, लेकिन तभी वो औरत उसे अंदर दबोच लेती है, आओ राजा जी, और फिर वो उसे खटपट खटपट करने लगती है। सब कुछ हो जाने के बाद चूचू जब उसका फेस देखता है तो उसकी गेंद फट जाती है, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही बुढ़िया है जो कहानी सुना रही है। वो बुढ़िया कहती है, ये क्या छोटी मिर्ची से भी छोटा लेकर घूम रहा है, एक काम कर, घर पर जाकर काट के सो जा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जो औरतें अभी तक चूचू की दीवानी थी, वो अब चूचू की छोटी मिर्ची वाली बात जानकर उसे देखकर दांत फाड़ने लगती है और कहती है, और छोटी मिर्ची कैसा है तू। वहीं पर एक लौंडिया कहती है, अगर इसके हाथ की तरह इसका औजार भी चलता तो मैं अपने ढीले पति को छोड़कर इसके पास बटा बट कराती। वहीं दूसरी तरफ चूचू के बड़े भाई जोरदार जवानी की लड़कियों में काफी इज्जत थी, क्योंकि उसका औजार चूचू के मुकाबले 10 गुना बड़ा था, और वो अकेले ही एक बार में 3 लड़कियों को संभाल सकता था। इस वजह से गांव की सभी औरतें, यहां तक कि बूढ़ी औरतें भी उसके प्यार में दीवानी थीं, और सभी औरतें छुप छुप कर उसे नहाते हुए भी देखती थीं। उधर चूचू को एक भी लौंडिया घंटा भाव नहीं देती थी, इसीलिए चूचू परेशान होकर एक ठेके में जाकर वहां पर तोड़ फोड़ करने लगता है। पर उसी टाइम जोरदार जवानी वहां पर आकर उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगता है। वहीं रास्ते में उन दोनों की मुलाकात मालकोवा नाम की एक लड़की से होती है, जो आधी रात को रामदेव बाबा को फेल करने वाला योगा कर रही थी। अब उसकी यादें देखकर जोरदार जवानी का पैर फिसल जाता है और वो चूचू के साथ पानी में नहा लेता है। ये देखकर वो लड़की पहली फुर्सत में तेज हो जाती है, और अब वो दोनों भी पानी से बाहर आ जाते हैं, जहां पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई तो हैं, लेकिन इनके आपस में जरा सी भी नहीं बनती। दरअसल कई साल पहले जब ये दोनों राइस केक बेचने एक मेले में गए थे, तभी वहां गलती से चूचू की पैंट में आग लग गई थी, पर ये झोपड़ी का जोरदार जवानी उस आग को बुझाने के लिए पानी की जगह अपनी लातों को बरसा देता है। अब सोचो यार क्या हुआ होगा इसके चूचू का, इसीलिए इसका नाम चूचू मैन रख दिया, और वो 1-2-3 नहीं बल्कि 20-30 लात जड़ देता है। और चूचू कहता है, कोई तो समझा लो मेरे मजनू भाई को, वरना फोड़ देगा मेरे मटर के गोलों को। इसी बात से इन दोनों भाइयों में जरा सी भी नहीं बनती। अब एक दिन कुछ लड़के सब्जियां धोते धोते मालकोवा के बारे में बातें कर रहे थे। एक लड़का कहता है कि मालकोवा रोज तालाब में नहाने आती है, तो दूसरा लौंडा कहता है, आचल देख के आएंगे। पर वहीं चूचू इन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब रात होते ही वो सभी लौंडे बिना कपड़ों के तालाब में मालकोवा के आने का वेट कर रहे थे। इसी बीच वो लोग वहां पर चूचू को भी देखते हैं, जो कि मालकोवा को नहाते हुए देखने आया था। तभी एक लौंडा बोलता है, बेटे सही है, मालकोवा के दर्शन करने भी आ गया तू। तो चूचू कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस नहाने आया हूँ। और जब वो सभी वहां पर चूचू से मजे ले रहे थे, तभी वहां पर मालकोवा भी तैरते हुए आ जाती है, जिसे देखकर सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मालकोवा वहां पर उन सभी लड़कों से कहती है, ओ मेरे दीवानों, मेरा जूता पानी में बहकर जा रहा है, जो उसे लाएगा मैं उसे एक पप्पी दूंगी मीठी मीठी। ये सुनकर सभी लौंडे मजनू की तरह मालकोवा के जूतों को लेने चले जाते हैं। अगले दिन जब मालकोवा अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर नाच रही थी, तभी उसे बाहर एक मिठाई का डिब्बा देखने को मिलता है, और उस मिठाई के डिब्बे को किसी और ने नहीं बल्कि चूचू ने ही वहां पर रखा था। मालकोवा को भी ये बात पता चल जाती है कि चूचू उसे चाहने लगा है, और उस मिठाई को खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब मालकोवा तालाब में नहा रही होती है, तो कुछ लड़के उसे ताड़ने लगते हैं, ओ मेरी जान, ये मालकोवा तो पूरे गांव की हसीना है। तभी वहां गांव की कुछ और औरतें भी आ जाती हैं, और वो औरतें उन लड़कों को मालकोवा को नहाते हुए देखते हुए देख लेती हैं। यहां पर वो लड़कियां उन लड़कों को सजा देने की बजाय उल्टा मालकोवा में ही जड़ा जड़ मारती हैं, क्योंकि मालकोवा की खूबसूरती की वजह से कोई भी लड़का उन लड़कियों को देखने नहीं आता था। अब जब वो लड़कियां मालकोवा को मार रही थी, तभी उनकी आवाज सुनकर जोरदार जवानी वहां पर आ जाता है। वो मालकोवा को उन लड़कियों से बचाकर अपने घर पर ले जाता है। वहीं रात में जोरदार
जवानी लुलू से कहता है, बेटे तेरे भाई को तेरी भाभी मिल गई है। और ये बोलकर वो मालकोवा को बाहर आने को कहता है। अब मालकोवा को जोरदार जवानी के साथ देखकर लुलू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब उसका भाई ही लुलू की क्रश के साथ शादी करने वाला था। इसीलिए वो अपना सड़ा सा मुंह बनाकर वहां से कहीं दूर जंगल में चला जाता है। वहां पर उसे एक औजारी बाबा मिलता है जो कि एक शिकारी जाल में फंसा हुआ था। वहीं चूचू उस औजारी बाबा को जाल से निकालकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे खुश होकर औजारी बाबा चूचू से कहते हैं, बेटा तूने मेरी जान बचाई है, बता क्या चाहिए तुझे। ये सुनकर चूचू उस औजारी बाबा को अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे उसका औजार हरी मिर्ची से भी छोटा रह गया। तो वो कहते हैं, बस इतनी सी बात, यहीं पास के गांव में एक ताड़ी के पेड़ के नीचे तुझे एक बोतल मिलेगी जिसमें जादुई ताड़ी होगी, अगर तू उसे दो घूंट पिएगा तो तेरा औजार केला बन जाएगा। ये सुनते ही चूचू औजारी बाबा को छोड़कर ताड़ी के पेड़ की तलाश में निकल जाता है। वहीं औजारी बाबा आंखें बंद करके कह रहे होते हैं, ज्यादा ताड़ी मत पी लियो वरना तेरा औजार काले भसांडों से भी बड़ा हो जाएगा। उधर चूचू ताड़ी के पेड़ के पास पहुंचकर ताड़ी की बोतल को बाहर निकालता है और जोश जोश में एक ही बार में पूरी ताड़ी पी जाता है। अगली सुबह जब चूचू अपने घर पर वापस आ रहा था, तभी उसे पता चलता है कि गांव के सभी आदमी युद्ध में चले गए हैं, क्योंकि पास के गांव की सेनाओं ने उन पर हमला कर दिया था और इस युद्ध में चूचू का भाई मालकोवा को घर में अकेला छोड़कर गया था। अब उस जादुई ताड़ी को पीने के बाद चूचू का औजार अब काले भसांडों से भी बड़ा हो गया था और पावर तो LML 536 घोड़ों से भी तगड़ी हो गई थी। इसी बीच जंगल में एक दिन काफी भयानक आग लग जाती है जिससे पूरा जंगल जलने लगता है। चूचू भी उसी जंगल के ऊपर एक पहाड़ी पर सो रहा था, तभी उसे जोर से टॉयलेट आता है और वो हल्का होने लगता है। उसकी धारा इतनी तगड़ी थी जिससे वो पूरे जंगल की आग बुझा देता है, और भाई इसकी धार इतनी तेज थी कि पृथ्वी से बाहर निकलकर सूरज को भी ठंडा कर देती है। भाई ये कौन सी पावर है, हमें भी चाहिए। थोड़ी ही देर में चूचू की ये कहानी पूरे गांव में पानी की तरह फैल जाती है और पहले जो औरतें चूचू पर दांत फाड़कर हंस रही थीं, वही लड़कियां अब उसके साथ रात बिताने के लिए तड़प रही थीं और लाइन लगाकर चूचू के पास आने लगती हैं, क्योंकि इन सभी औरतों के पति युद्ध में चले गए थे। इधर चूचू भी समझ गया था कि अब उसे पूरे गांव की औरतों को स्वाद चखाना पड़ेगा, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर रखता था। इसी बीच एक दिन एक औरत चूचू के पास मटका भर के दारू लाती है और बदले में चूचू से रात रंगीन करने को कहती है। तो चूचू से इग्नोर करते वो कहता है, अबे सीधे घर को चले जा, मुझे संभाल नहीं पाएगी तू। तभी वो औरत उसे भला बुरा कहने लगती है, जिससे चूचू को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर एक सेकंड में 100 झटके दे देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकल जाता है। अब थोड़ी ही देर में गांव की सभी लड़कियों से लेकर बूढ़ी औरत तक लाइन लगाकर चूचू से अपना ढोल बजवाने के लिए पहुंच जाती है। वहीं वो लड़की सभी लड़कियों और औरतों से कहती है, उसने जिस तरह मेरी पुंगी बजाई है, मुझे ठीक होने में 20 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वहां पर सभी औरतें उत्तेजित होकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं और अगली सुबह तक चूचू एक एक करके बारी बारी सबको रगड़ता है। अब चूचू ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जो पूरे गांव में किसी की बस की नहीं था, लेकिन फिर भी वो उदास था, क्योंकि चूचू जिस लड़की से प्यार करता था उसे तो उसके बड़े भाई ने छेदू भाई बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ गांव की राजकुमारी को भी चूचू के रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो चूचू से मिलने के लिए बावली हुई जा रही थी। अब एक दिन चूचू को राजा के सैनिक पकड़कर राजमहल में लेकर आते हैं। राजा चूचू से कहता है कि उसे उनके साथ एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें तुम दोनों के कंचों पर भारी गोलों को लटकाया जाएगा, जो भी अपने कंचों से ज्यादा वजन को उठा लेगा वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। इस कॉम्पिटिशन में चूचू का मुकाबला जिस आदमी से हो रहा था उसने अपने कंचों पर 20 किलो का वजन चढ़ा लिया था, लेकिन चूचू तो एक बॉल भी अच्छे से नहीं संभाल पाता। ये देखकर राजकुमारी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक केले को बड़े अश्लील तरीके से खाने लगती है, जिस वजह से चूचू के अंदर जोश आ जाता है और वो 30 किलो की जगह 300 किलो वजन अपने कंचों पर चढ़वा लेता है। अब चूचू के सैलान कारनामों को देखकर सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और शाम को महाराजा उसे अपनी पार्टी में बुलाते हैं। इसी बीच वहां पर महाराजा का सेनापति आकर महाराजा से कहता है कि जोरदार जवान युद्ध में मारा गया है, पर अभी भी उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिली है। ये बात सुनकर लुलू बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जोरदार जवानी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। दूसरी तरफ मालकोवा की तबीयत अब बहुत खराब होती जा रही थी, कोई भी वैग उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी बीच वो वैग चूचू से कहता है कि उसे मालकोवा के साथ सोना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। अब चूचू ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मालकोवा को बचाने के लिए उसे ये काम करना पड़ता है और मालकोवा भी पहले की तरह ठीक हो जाती है और अब वो चूचू को ही अपना पति मानने लगी थी। इसी बीच एक दिन गाँव की सभी औरतें काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सभी की सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और आज ही उनके पति युद्ध से वापस घर की तरफ आ रहे थे। घर पहुंचकर जब उन सभी मर्दों को चूचू की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो सभी चूचू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर वो बूढ़ी औरत ये सब देख रही थी और वो चूचू को ये सब बताने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो रास्ते में चूचू के बड़े भाई जोरदार जवानी को देखती है जो कि युद्ध में मरा नहीं था और वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर वापस आ रहा था, और वो बूढ़ी औरत तुरंत लुलू के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। तभी वहां पर लंगड़ाते लंगड़ाते जोरदार जवानी भी पहुंच जाता है, जिस वजह से लुलू मालकोवा को लेकर एक कोने में छुप जाता है। वहां पर मालकोवा की हालत फिर से बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए चूचू मालकोवा को बचाने के लिए अपने आप को गाँव वालों को हवाले कर देता है और गाँव वाले सजा के तौर पर उसे एक अंधेरी गुफा के अंदर डाल देते हैं, जहां पर खतरनाक भालू रहते हैं जो चूचू को जान से मार डालते हैं। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि सारे चूचू की औलादे होती हैं और इनके पास भी चूचू की तरह ही फुआरा था, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटे होंगे। गांव वालों के बीच में चूचू अभी भी बहुत फेमस था और सभी लड़कियां, यहां तक कि महारानी भी चूचू के बारे में बात करती थी। एक दिन जब नाव में महारानी अपनी दासियों के साथ चूचू के बारे में बात करते हुए जा रही थी, तभी हम चूचू को देखते हैं जो अभी तक मरा नहीं था, यानी उस गुफा के अंदर उसने उस भालू को भी नहीं छोड़ा था और अब वो ऐसे ही गांव
वालों से छुप छुप कर गाँव में घूम रहा था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको यह मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।